दुनिया में खालिस लखनवी कहीं भी जाएं, कुछ बोलते ही लोग पहचान जाएंगे कि जनाब लखनऊ से आए हैं। हमार जुबा ही ऐसी है यहाँ की, हिंदी को थोड़ा बहुत समझने वाले भी ये जानते हैं कि अदब और लहजे की ये रवानी सिर्फ लखनऊ वालों में ही हो सकती है। सच में फख्र होता है इस तहजीब को लेकर। अवध की संस्कृति, साहित्य, ऐतिहासिक धरोहरों चिकनकारी और तरह तरह के स्वादिष्ट चटकारों के हुनरमंदों ने लखनऊ को लाजवाब बनाया। इस कदर कि जो बाहर से आए वो भी धीरे धीरे इस मिट्टी के हो गए। हमारी नजर से शहर अदब को जानी, यहाँ की मेहमान नवाजी बेमिसाल है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा ऐतिहासिक नगर है जो अपनी तहजीब के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इसलिए इस शहर को शहर अदब भी कहा जाता है। अपने मेहमानों की खातिरदारी में यहाँ के लोग कोई कसर नहीं छोड़ते, यहाँ की मेहमान नवाजी बेमिसाल है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। अवध के नवाबों के शासनकाल में इस शहर ने विशेष ख्याति अर्जित की। इस नगर में कला, संस्कृति और सभ्यता का अनूठा संगम देखने को मिलता है। बड़ा इमामबाड़ा वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण नवाब आसिफुद्दौला ने साल 1784 में करवाया था। ये इमारत बाहर से एक किले की तरह दिखाई देती है। इस इमारत में एक विशाल कमरा है जिसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। इस कमरे की विशेषता ये है कि इसके एक कोने में कागज फाड़ने की आवाज दूसरे कोने में साफ साफ सुनाई जाती है। बड़े इमामबाड़े के ऊपरी भाग में भूल भुलैया बना है। इस भूल भुलैया में 409 दरवाजे रहित गलियारे हैं। इसका निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से करवाया गया था। यहाँ आने वाला शख्स लाख कोशिशों के बावजूद भी रास्ता भटक जाता है, इसलिए इसे भूल भुलैया कहा जाता है। इमामबाड़ा के बाहर बने दरवाजे को रूमी दरवाजा कहा जाता है। इसके नीचे से सड़क निकलती है। इस दरवाजे के निर्माण की खास बात यह है कि इसको बनाने में किसी तरह के लोहे या लकड़ी का प्रयोग नहीं किया गया। रूमी दरवाजे से थोड़ा आगे चलने पर घड़ी मीनार बनी है। 221 फुट ऊंची इस मीनार का निर्माण 1881 में हुआ था। इसमें लगा घड़ी का पेंडुलम 14 फुट लंबा है। 12 पंखड़ियों वाला डायल खिले फूल की तरह दिखता है। इसके पास ही बनी पिक्चर गैलरी में अवध के नवाबों के तैल चित्र लगे हैं। इससे नवाबी संस्कृति का पता चलता है। लखनऊ का ला मॉनिटरिंग भवन यूरोपीय स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। यहाँ पर ला मॉनिटरिंग स्कूल चलता है। महलनुमा बनी इस इमारत में एक झील है। इमारत को फानूस और पेंटिंग से सजाया गया है। साल 1800 में क्लाइड मार्टिन की मृत्यु के बाद उसे यहाँ दफनाया गया था। हमारा लखनऊ शहर लाजवाब है, इससे ही हमारी पहचान है। आज विकास की रफ्तार में ये भी तेजी से भाग रहा है। ऐसे में हम शहरवासियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि विकास की रफ्तार में समस्याओं के रूप में रुकावट ना आने दें। हमारी जरा सी सहनशीलता सड़कों पर लगने वाले लंबे जाम को रोक सकती है। शहर की सबसे बड़ी समस्या प्रदर्शनों की वजह से लगने वाला जाम है। आज तक धरना स्थल की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई। शासन प्रशासन को चाहिए इस ओर गंभीरता से सोचे ताकि लखनवी तहजीब की शहर की पहचान बनी रहे।
उसकी जगह सड़कों का जाम ना ले पाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ घूमने के लिहाज से बहुत साफ सुथरी और ऐतिहासिक जगह है। नवाबी और अंग्रेजी शासनकाल में बनी यहाँ की इमारतें और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। 1775 से 1856 तक लखनऊ अवध राज्य की राजधानी थी। नवाबी काल में अवध की अदब और तहजीब का विकास हुआ। लखनऊ की रंगीनियों और शानों शौकत के किस्से भी खूब चटकारे लेकर सुने और सुनाए जाते हैं। लखनऊ का इतिहास बहुत पुराना है। समय के साथ साथ इसका नाम और पहचान भी बदलती रही है। पहले इसका नाम लक्ष्मणपुरी और फिर लखनपुरी और बाद में लखनऊ हो गया। लखनऊ में पश्चिमी से लेकर देसी खाने तक का अद्भुत स्वाद लिया जा सकता है। यहाँ तेजी से बड़े रेस्तरां और मिठाइयों की दुकानें खुली हैं। मधुरी माँ, रामाश्रय, छप्पन भोग और राधे लाल परंपरा इनमें से खास हैं। लखनवी अंदाज की मिठाइयाँ लखनऊ आने वालों को खूब लुभाती हैं। खाने के लिए चाट, समोसे, कचौड़ी और कुल्फी का आनंद लिया जा सकता है। टुंडे कबाब के यहाँ कबाब और बिरयानी का स्वाद चखा जा सकता है। लखनऊ फलों में दशहरी आम और मिठाई के गुलाब रेवड़ी के लिए मशहूर है। हजरतगंज यहाँ का बहुत मशहूर बाजार है। अब तो यहाँ कई शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स भी खुल चुके हैं। घूमने और खरीदारी के लिए लखनऊ में हर तरह के बाजार हैं। इनमें अमीनाबाद, हजरतगंज, निशांतगंज, आलमबाग और चारबाग प्रमुख हैं। चिकनकारी के कपड़े यहाँ की खासियत हैं। आनंदी वाटर पार्क, ड्रीम वर्ल्ड अंडर रूफ वाटर पार्क और ड्रीम वैली में घोड़ा, ऊंट और बैलगाड़ी की सवारी के साथ देसी खाने का स्वाद लिया जा सकता है। इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि सब कुछ लाजवाब ही हो। काफी कुछ ऐसा भी है जो जवाब मांगता है, चुभता है और कहता है लाजवाब। जी हाँ, लाजवाब बनाम लाजवाब। लाजवाब क्या है वो तो आपने देख ही लिया, लेकिन सवालों के जवाब मिलना मुश्किल लगता है। मसलन, गाड़ियां तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट क्यों नहीं? कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं, पर पार्किंग कहाँ होगी? विश्वविद्यालय कॉलेजों की भरमार है, पर उनकी गुणवत्ता पर सवालिया निशान क्यों? कबाब, बिरयानी से लेकर चाट मिठाइयों तक में जब इतना स्वाद है, तो वो सिर्फ लखनऊ तक सिमटे क्यों? शायद सियासत की सितम से जब लखनऊ आजाद होगा तो इन सवालों का जवाब मिल पाएगा। तब तक एक ही बात सोचकर सुकून करता हूं कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में।